नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से इस वीडियो में आपका स्वागत है। और हम पिछले वीडियो में आपको दिखाए थे द्रोणागिरी का वीडियो, और इस वीडियो में दिखाने वाले हैं नामाशिवा का वीडियो। और आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे चैनल दिखाए होंगे, यूट्यूब में देखे होंगे, पर हम एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे, इस एरिया के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। और चलिए इस वीडियो में बने रहिए, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मैं हूं धर्मपाल, और बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइएगा जरूर ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, ये जो एरिया है, ये यहाँ पे अभी सिर्फ ये डामरीकरण हुआ है। ये जो देख पा रहे हैं, अभी पूरी तरीके से काम हुआ नहीं है, जितना भी हुआ है ये आपके सामने है। और अभी सारे ग्रिल वगैरह लगाए जा रहे हैं सीढ़ी पे, और यहाँ पे लिफ्ट भी है, दोनों तरफ लिफ्ट है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, जो यहाँ के यात्रीगण होंगे उन लोगों के लिए कितना सुविधा है, वो सारी चीज़ दिखाएंगे आपको। मुझे लग रहा है कि ये बाहर से देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है स्टेशन, अंदर जाके देखते हैं कि यहाँ इस स्टेशन में किन किन चीज़ों का सुविधा दिया गया है। तो बने रहिए इस वीडियो में और हमारे साथ देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो खास आप ही लोग के लिए बनाया जाता है। और हम जो मेहनत करते हैं, इसका थोड़ा सा फीडबैक भी दिया कीजिए कभी कभी, ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा लाइक। तो चलिए दिखाते हैं आगे बढ़ के। तो सामने यहाँ पे देख सकते हैं दो लिफ्ट दिया गया है, और इसके अपोजिट में भी दो लिफ्ट हैं, जो कि हम आगे जाएंगे तो दिखाएंगे। तो चलिए आगे के कुछ और भी दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, यहाँ पे दोनों तरफ से तीती सीढ़ी दिया गया है, और एक रैंप दिया गया है जो कि विकलांग लोग यूज करते हैं। तो ये जो काम है, ये मैं जिस नामाशिवा में जो देखा, बहुत अलग तरीके से, मतलब तो अपना द्रोणागिरी में देखा, उरन में देखा, अंडरग्राउंड सीढ़ी था, पर इसमें जो है जबरदस्त बनाया गया है, बाकी तो सारा सेम है। तो चलिए हम आगे भी कुछ चीजें बताएंगे, कुछ चीजें दिखाएंगे, और हम समझते हैं कि ये जो नामाशिवा का जो रेलवे स्टेशन है, इसमें भी वो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी जो कि सारे स्टेशनों में मिलते आ रहे हैं आपको।
ये इसमें मुझे खास ये लगा कि ऊपर है लेकिन यहाँ पे दो दो लिफ्ट यूज किए गए हैं, मतलब दो दो लिफ्ट दिए गए हैं। तो दोस्तों इस नावा सीओ में हमने आपको कुछ सुविधाओं के बारे में दिखाया, यहाँ के स्टेशन के बारे में दिखाया, और हमने जो यहाँ पे सुविधाएं जो दी गई है, दो लिफ्ट दिए गए हैं, सीढ़ी तीन तीन दिए गए हैं, दोनों तरफ दिए गए हैं, और एक रैंप दिया गया है जो कि थोड़े से बुजुर्ग विकलांगों के लिए, ये जो हमने दिखाया। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे जेनपीटी को जोड़ सकता है और करल फाटा हो गया। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगला वीडियो जो देखना चाहते हैं, अगला कौन सा जगह देखना चाहते हैं, वह कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम जरूर आपको वो वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे, उस एरिया को बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी तक के लिए हमने आपको जो भी दिखाया वीडियो, आपको कैसा लगा तो बताइएगा जरूर। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।